स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नोमैडिक ट्रैवलर ब्लॉग में। तो आज भी ना मैं एक और खूबसूरत जगह पे जाने वाला हूँ, सामने में इधर इस साइड को केकुला टॉप की तरफ। और आज दिखाएंगे हम वहाँ का एडवेंचर और वहाँ पे विदाउट एनी इक्विपमेंट जो हमारा कैंप होगा वो आज इस ब्लॉग में आप देखोगे। फिलहाल मैं यहाँ से तैयार हो चुका हूँ आगे के लिए। आगे का रास्ता कुछ इस तरह का है और आज भी ना मौसम ठीक ठाक है, हल्की फुल्की धूप आ रही है, पर कल रात में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज भी एक और एडवेंचर कैंप करके आपके लिए लेके आते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, हम आज आपको दिखाएंगे फुली एडवेंचर ब्लॉग। तो आज भी इसी तरह के जंगलों से होकर फिर उस चट्टान टाइप के मिलेंगे हमको, तो उन्हीं से होकर के मेरे को निकलना है। और बाकी ना आज एडवेंचर वही होगा, थोड़ा सा चट्टान टाइप का बहुत ज़्यादा मिलेगा आज के ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ ना काफ़ी समय से गया नहीं हूँ। तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, बर्फ नहीं है और बारिश भी नहीं है। तो आज करते हैं हम वही का कैंप, टीनिया होते हुए जाएंगे हम, टीनिया होते हुए केकुला टॉप तक जाएंगे और शायद वहीं पे कैंप होगा और फिर कल वापसी होगी वहीं से केकुला टॉप से। ये है पुल यहाँ की, दिखाता हूँ ये पुल, और इसके जस्ट नीचे है सरयू नदी जो सरमूल से निकल कर के आती है। तो ये है टीनिया का गदेरा, यहाँ से आगे फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तक मैं डाउन में उतर के आ रहा था, तो अब यहाँ से मेरी जो कैंपिंग के लिए है तो चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से बहुत चढ़ाई है दोस्तों, बहुत दूर तक जाना है। तो ये पहुँचा मैं टीनिया में, यहाँ पर ना घास वगैरह काटते हैं, हमारा वन पंचायत है ये भी। तो हर बार यहाँ पे लोग घास के लिए आते हैं, अब तो थोड़ा कम हो चुका है यहाँ पे गाय भैंस वगैरह पालना, पर उससे पहले ना बहुत मारा मारी होती थी घास के लिए। तो धीरे धीरे अब ये भी कम होने लग गया है घास वगैरह भी, क्योंकि लोगों ने ना गाय भैंस पालने एकदम कम कर दिए हैं, तो इस वजह से। और फिर मेरे को इसके टॉप तक निकलना है, एकदम ट्रेल ट्रेल ही निकलूँगा टॉप तक। फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत पसीने हो रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है ऊपर चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते। अब ना कुछ इस तरह का रास्ता है और ये है खपा का गदेरा, ये हमारी पूरी वन पंचायत की एरिया है। इस तरह का एडवेंचर होने वाला है, ये इंसान बना रखे ना मैंने खुद ही यहाँ से। मैंने बहुत साल पहले की बात है जब मैंने यहाँ पर चलने लायक के लिए इसको बनाया था ये यहाँ पर। तो बहुत ही भयंकर वाला रास्ता था यहाँ पर, तो मैंने हथौड़ी से यहाँ पर रास्ता काट काट के बनाया था। तो चलो अभी काम कर रहा है, अब मैं थोड़ा सा दूसरे रास्ते से आ चुका हूँ, क्योंकि जो खड़ी चढ़ाई थी ना वहाँ से मैंने अपना जो प्रोग्राम था उसको चेंज करा, ताकि थोड़ा सा सीधा निकल के मैं जा सकूँ। तो उधर से जाते हैं, और फिलहाल ये जंगलों के बीच बीच में से हल्का फुल्का रास्ता बना हुआ है, तो जो लोग घास वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है, तो मैं उसी रास्ते से
जाऊंगा। और यही बगल में ना, मैं दिखाता हूँ, शिलाजीत होता है यहाँ ऊपर में, इस वाले में शिलाजीत होता है। तो कभी यहाँ पर भी एडवेंचर करेंगे हम, यहाँ पर रॉक वगैरह लगा के रॉक क्लाइंबिंग करके फिर निकालेंगे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ भोरा के गधेरे में, शायद इसमें दिख रहे नहीं दिख रहे, वो ऊपर वहाँ पे है भौरे में, दिखाता हूँ आगे से, वहाँ पे भौरे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह इतने लगे हैं वहाँ पे मैं, और बाकी भौरे ही भौरे हैं, बाकी उनका जो शहद वगैरह है वो कुछ नहीं है वहाँ पे। नीचे देखते हैं, शायद वहाँ पे होगा कुछ। तो दोस्तों ये है भौरे के छत्ते, आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर ऊपर में भी है। तो इन्हीं के छत्तों से ना, ये तो भौरे हैं जबकि ये बैठे हैं कुछ समय के लिए, और बाकी जो छत्ते थे अभी आपने नीचे देखे। ये जो है ना, ये भौरों का जो शहद वगैरह बनाते हैं वो गिर के आया है ऊपर से, और भी होगा आगे मैं दिखाता हूँ इसके जड़ में, क्योंकि इसको ना पक्षी वगैरह बहुत गिरा देते हैं, वो ऊपर में दिख रहे होंगे शायद अब तो, एकदम टॉप में चट्टान के पास में। ये देखो ये है, ये पूरा का पूरा गिरा हुआ है ये। अब तो शहद नहीं है क्योंकि शहद शायद खा चुके होंगे, और ये ना बहुत सारे बहुत मात्रा में गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे है, और फिर आगे भी है, ये यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा गिरा। पहले तो लोग ना इसको ले जाते थे अपने साथ, क्योंकि इसका कुछ बनाते थे ये लोग, पुराने लोग जो हुआ करते थे, अब तो नए लोग कोई नहीं आता है यहाँ पे। ये देखो इतनी मात्रा में गिरा है, इतनी मात्रा में कि आप सोच नहीं सकते हो। तो पता नहीं क्या दवा बनती थी इनकी, कुछ दवा के यूज के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये भौरे का छत्ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरा है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा भौरे का छत्ता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा शहद रहता है, बहुत पहले मैंने ट्राई किया था तो ज़्यादा मात्रा में खा लिया था, तो मेरे को चक्कर वगैरह आना शुरू हो गया था इससे, क्योंकि मैंने बहुत अधिक ले लिया था। अभी तो यहाँ पर खाली है, भावरों ने अपने छत्ते वगैरह सारे गिरा दिए हैं, अब नहीं है यहाँ पर। और पहले ना लोग इसका पता नहीं क्या बनाते थे, कुछ दवा टाइप का, और माक माक कुछ बोलते थे, तो कुछ इस तरह का बनाते थे इससे, और अब कोई यूज नहीं करता है इसका काफ़ी समय से। पहले तो इसको बेचने के लिए भी ले जाते थे, पर अब इसका यूज बंद हो चुका है। फिलहाल मैं निकलता हूँ आगे को, तो भौरों का छत्ता आपको दिखाया, बड़ा भयंकर वाला रास्ता हो रहा है दोस्तों, एकदम जंगल जंगल में। और उसके साथ साथ में मैं हूँ अभी सोलो, तो पूरा जंगल घुमाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ आने आने तक ना फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है, और अभी मेरे को जाना है यहाँ से, इस वाली चट्टान को पार करना है, फिर इसके ऊपर में मिलेगा हमको केकुला टॉप, तो वहाँ पर
शायद बकरी वाले हैं तो उनके साथ रहने का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा और कुछ खाने का भी हो जाएगा। अभी हूँ मैं एकदम भौंरा से ऊपर, जहाँ पे भौंरे लगते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, तो थकान हो रही थी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर सोच रहे हैं यार इस चट्टान को कैसे पार करें। देखो पूरा चट्टान है ऊपर तक, तो थोड़ा सा टास्क है मेरे लिए। तो इसको पार करने के बाद फिर देखते हैं आगे को किस तरह का रास्ता है। परंतु रास्ता तो लग नहीं रहा है, पूरा चट्टान ही लग रहा है, देखते हैं। दोस्तों ये मेरे जस्ट ऊपर में आप देख रहे हैं, ये है केकुला वाटरफॉल, जो अभी तो थोड़ा सा भीग चुका है, कम है, पर जैसे ही बरसात का समय होता है ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से पानी आता है और बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा, कम से कम आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू करते हैं तो ये बहुत ऊपर तक है। और अभी जो है पानी बहुत कम है क्योंकि अभी सूखे का समय है, बरसात का टाइम नहीं है। जैसे बरसात शुरू होती है ना तो ये बहुत छलांग मार मार के बहता है बहुत दूर दूर तक। तो इसका नाम है केकुला वाटरफॉल। फिलहाल के लिए ना बहुत बढ़िया गुफा मिल चुकी है मेरे को, तो कुछ समय यहीं पर बैठ के टाइम पास करते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया गुफा है ऊपर तक। तो ये देखो पूरी गुफा है और यहाँ पे पानी का नामो निशान भी नहीं है, कहीं से पानी भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं बढ़िया करके, आग वगैरह भी जला सकते हैं। और सामने सामने में बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा भी दिख रहा है। ये देखो पूरा जंगल है पार में खोपा का। तो कुछ समय रेस्ट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं नेटवर्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ से वीडियो जो हमारा वीडियो है उसको अपलोड करते हैं, फिर आगे फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर ना बारिश शुरू हो चुकी है तो यहाँ से आगे निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में ना ओले गिर रहे हैं तो कहीं ओले ज़्यादा न गिर जाए, इसलिए मैं पहले रहने का कुछ इंतज़ाम कर लेता हूँ, कहीं अच्छे से गुफा ढूंढते हैं जहाँ पे रहा जा सके। यहाँ तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर अभी इस तरह की हवा चल रही है तो रात में तो और ज़्यादा भयंकर हवा चलेगी, तो इस वजह से मैं यहाँ से निकल चुका हूँ दूसरी जगह के लिए। और दूसरी जगह पर ढूंढते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर वाला कैंप करते हैं। वो भयंकर वाली जगह है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाके बढ़िया वाली जगह पर जाते हैं। जल चुकी है बहुत मुश्किल से, हवा बहुत तेज है यार, और पर यहाँ पे ना अभी भी धुआं बहुत तेज हो रहा है, हवा की वजह से धुआं बहुत घूम जा रहा है, सारा हवा इसी तरह आ रहा है। आगे का माहौल में दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत तेज हवा चल रही है। रोटी है मेरे पास,
प्लास्टिक में पैक करके ले आया हूँ रोटी। तो थोड़ी देर के बाद रोटी खाता हूँ और उसके बाद और लकड़ियाँ ढूंढता हूँ, फिर आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इसलिए जुगाड़ ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर रहने के लिए, तो तभी रह पाएंगे जब यहाँ पर आग वगैरह मेरी जलती रहे इस तरह से, तो तभी रह पाऊँगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे जगहों पर रहना। तो फिलहाल गर्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करते हैं। थोड़ी सी आग जल चुकी है, लकड़ियाँ बहुत है यहाँ पर, और जो पेड़ इस वाले पेड़ से जो मेरे जस्ट ऊपर है, तो इस पेड़ से सीधे नीचे गिर के इसकी टहनियाँ सीधे नीचे ही पानी है, ज़्यादा इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से कैप बढ़िया हो गया है। थोड़ी सी हवा ज़रूर है, देखते हैं शाम तक कितनी हवा रहती है या नहीं रहती है। अगर मौसम सही रहा तो फिर हवा भी नहीं चलेगी, अगर नहीं मौसम इसी तरह का रहा तो बहुत हवा चलने वाली है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाड़ वगैरह बना लूँगा यहाँ तक, और फिर उसके बाद हो जाएगा अपना रहने का जो भी जुगाड़ है वो हो जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी धूप लग चुकी है और जो हवा थी ना वो भी थोड़ी बहुत बंद हो चुकी है। हाँ, काफ़ी देर से मैं यहीं पर बैठा था, आग भी बुझ चुकी है मेरी, और जैसे मैं सोच रहा था ना यहाँ पे लगाने के लिए, तो एकदम स्टीप डाउन है, ये देख सकते हैं आप, तो ऐसे में शायद यहाँ पे रहना मुश्किल होगा। तो इस वजह से कोशिश करते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए, कहीं और चलते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे जगह पे ना कैंप नहीं हो पाएगी। पता चला रात में कोई जंगली जानवर आ गया या कुछ आ गया तो फिर नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और वैसे भी थोड़ा मौसम सही हो चुका है तो कहीं और अच्छी जगह ढूंढने का भी बढ़िया हो गया है। नहीं तो फिर अगर बारिश होती और उस समय की तरह हवा चल रही होती तो थोड़ी दिक्कत होती, पर अभी उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं बढ़िया धूप चल रही और सामने में गाँव भी बढ़िया मस्त नज़ारा दिख रहा है, और आग भी बुझ चुकी है यहाँ पर, अब थोड़ा सा हीट मिल चुकी है, तो अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं नई जगह के लिए। तो दोस्तों ये तो एकदम खड़ा चट्टान मिल गया है, शायद मैं जा पाऊँगा भी या नहीं ऐसी जगह से, बहुत ही भयंकर लग रहा है। आगे को ये देखो पूरा खड़ा चट्टान है नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी जगह पे, तो थोड़ा सा रिस्क हो गया है और फिसलन वाला भी है, तो शायद मुझे यहाँ से बैक होके पीछे से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बहुत भयंकर वाला रिस्क हो जाएगा। तो दोस्तों अब खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है झूने से, आज शाम के समय ना बहुत बढ़िया मौसम रहा, क्योंकि जो दिन भर बारिश हो रही थी सुबह से, तो शाम होते होते बहुत बढ़िया वाला सनसेट आपको देखे गया है। मैं घर के लिए आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैंप नहीं कर पाया, हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर मेरे पीछे ना एकदम वाह कोतला टॉप देखो, मेरे एकदम पीछे क्या मस्त दिख रहा है, क्योंकि सनसेट हो रहा है और एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है पूरा चारों तरफ। ऊपर हाई माउंटेन में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, और तो फिर से मिलते हैं आपको एक और एडवेंचर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, देखते रहें नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।